फटकेबाजी में होंगे रुपया 30,000 खर्च। तीन पार्टी के आदमी है जा, कल एडवांस दो सवेरे और कल ले जाएंगे भाई साहब। भजन संध्या जागरण इसी तरह का होता है। तीन पार्टी के आदमी है जा, तुम दो जना रसिया करा लियो लगातार। चलिए जैसा कार्यक्रम चल रहा है, आपकी इच्छा है तो आप सुने, ना है तो आपकी मर्जी है। वैसे मैं कोशिश करूंगा अपने गीत के माध्यम से, आप शायद मंच पे भी आए थे थोड़ी देर पहले, आपकी रामायण महाभारत और आज का दौर एक ही गीत के माध्यम से हो जाए अगर आप समझना चाहें। और अगर तुम्हें वो डांसर भी चाहिए तो बाकायदा 30,000 रुपया खर्च होंगे। हाँ जी भैया, नारे फिल्मी दुनिया वाले के अब की बार पूनम में। देखिए जिन्हें निकलना है वो आराम से निकल जाए, गीत के बीच में माहौल खराब ना करें। और मैं समझता हूं आपको पसंद आएगा गीत। गा रहे फिल्मी दुनिया वाले, अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, मस्तियां लुटा देंगे सुख तेरे कदमों में, मस्तियां लुटा देंगे सुख तेरे कदमों में, हमने गाह से तेरी आरती उतारेंगे। अब की बार पूनम कहाँ गए भैया रसिया वाले, चलते रहे भैया। सुनो रसियाबाजी की लाइन, गाया करते थे गुरु विजेंद्र शर्मा आत्र से। क्या बात है कि ये धर्म चोरी हो गया और ईमान चोरी हो गया, ये धर्म चोरी हो गया और कोई ईमान चोरी हो गया, और भैया लुट गई इंसानियत, आज इंसान चोरी हो गया। अरे लुट गई इंसानियत और इंसान चोरी हो गया, क्योंकि कल सुना एक सेठ का सामान चोरी हो गया, क्या कल सुना एक सेठ का अली और वो सामान चोरी हो गया। अरे सामान चोरी हो गया और आज मंदिर से मेरा भगवान चोरी हो गया। यही लाइन है रसिया भाई की, पर इस लाइन के साथ साथ और लाइन सुनो। अरे क्या कहें किस से कहें, अब कुछ कहा जाता नहीं, ये क्या कहें किस से कहें, आज कुछ कहा जाता नहीं, हद हो गई सहते सितम अब तो सहा जा नहीं। इसलिए कहना है, क्या कहना है मेरा भाई, स्वार्थ का देखो कैसा, स्वार्थ का देखो कैसा, स्वार्थ का देखो कैसा। ज्यादा बड़ा गाने वाला नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको देख के, आपके माहौल को देख के, आपके माहौल को देखते हुए शब्दों को समझेंगे आप। स्वार्थ का देखो कैसा आ गया जमाना, पुत्र और पिता के यहाँ पे
पुत्र और पिता के यहाँ पे रिश्ते टूट लेते हैं। बात को समझते रहे, पुत्र और पिता के यहाँ पे रिश्ते टूट लेते हैं। और रिश्ते टूटते क्यों हैं? अब गौर करने वाली बात, रिश्ते आखिर टूटते क्यों हैं? मतलब को जानते हैं, मतलब को जानते हैं, फिर न पहचानते हैं। मतलब को जानते हैं, फिर न पहचानते हैं। अरे अपना बना कर काम, अपना बना कर काम, लोग फूट लेते हैं। स्वार्थ का देखो बनाकर काम, लोग फूट। अगर तुम ते कोई काम पड़ जाए तो परसों घोटा में पहचान लूंगा, जब वो कार्यक्रम में मिले पैदापुर के अंदर। और अगर कोई काम नहीं है तो आप मुझसे बात करते रहना, मैं आपको नहीं पहचानूंगा और आप मुझे नहीं पहचानोगे। क्यों? बात करती रामायण महाभारत की। रामायण को सुनने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन रामायण को मानने वाले बहुत कम है भैया जी। क्यों? आज तक तो उस रावण को, आज तक तो उस रावण को लोग सब ऊक रहे, लोग सब ऊक रहे, लोग सब ऊक रहे। बना कर उसका पुतला, बना कर उसका पुतला, हर बरस फूंक रहे। बना कर उसका पुतला, हर बरस फूंक रहे। बना कर उसका पुतला, हर बरस फूंक रहे। लेकिन आज उस रावण का पुतला फूंका जाता जिसने सीता जी का हरण किया था। जबकि एक सच्चाई हमारी रामायण ये भी बताती है कि उस रावण ने सीता जी को उंगली से छू कर कभी नहीं देखा। ये भी रामायण ही बताती है आपकी। उस रावण का पुतला फूंका जा रहा है, लेकिन आज की सच्चाई, बना कर उसका पुतला हर बरस फूंक रहे। पर आज सीता के संग में न लक्ष्मण चूक रहे, आज सीता के संग में न लक्ष्मण चूक रहे। बुरा मानने की बात नहीं है, क्या रिश्ता था लक्ष्मण और सीता के अंदर, देवर भाभी का कितना पवित्र रिश्ता था। आज देवर भाभी तो आज भी होते हैं, कोई है तो बुरा मत मानना। बड़े बूढ़ों ने कहावत भी बना ली है, फौजी भैया फौज में और छोटा भैया। पहले किसन दुशासन से, पहले किसन दुशासन से द्रौपदी बचाते थे, पहले किसन दुशासन से द्रौपदी बचाते थे, पहले किसन दुशासन से द्रौपदी। अगर समझ में आ रहा है तो गीत को बढ़ाऊंगा, नहीं आ रहा है तो बंद कर दूंगा यही। एक कन्हैया ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, द्रौपदी से कन्हैया का रिश्ता कितना मुंह बोली बहन और मुंह बोली बहन। आज भी लोग अंधाधुंध बनाते, लेकिन वो रिश्ता एक दिन टीवी पे जाके खुलता है। पहले किसन दुशासन से द्रौपदी बचाते थे, आज किसन द्रौपदी को, आज किसन द्रौपदी को खुद ही लूट लेते हैं। तक सच्चाई है मेरी बात में? अगर सच्चाई है तो एक बार तालियां चाहूंगा आप लोगों की। क्या बात है,
बहुत अच्छे। पहले किसन दुशासन से द्रौपदी बचाते थे, आज किसन द्रौपदी को खुद ही लूट लेते हैं। स्वार्थ का देखो कैसा, ब्रह्मचारी राम रोहिणी फुलवारी, राम भय त्रेता युग में एक नारी व्रतधारी। मेरी बात को समझ में क्या कह रहा हूँ, मेरे देश के अंदर राम सतयुग में हुए भगवान परशुराम, द्वापर में हुए भगवान बलराम, और त्रेता युग के अंदर हुए भगवान श्री राम। राम आज भी होते लेकिन वो फिलहाल हैं कहां, क्योंकि ढोंगी पाखंडी करे रहे, क्योंकि ढोंगी पाखंडी करे रहे। और आज कैसे कैसे काम, कहीं ढोंगी राम रहीम है तो कहीं पापी आशा। आज भी राम का घाटा मेरे देश के अंदर नहीं है। उन राम में और इन राम में अंतर कितना है देखेंगे मेरी लाइन के माध्यम से। राम एक भय ब्रह्मचारी, राम रोहिणी फुलवारी, राम भय त्रेता युग में एक नारी व्रतधारी। राम भय त्रेता युग में एक नारी व्रतधारी। थोड़ा सा बोलूं, कैटरीना कैफ क्रीम पाउडर दुनिया भर को पोतवे के बाद इतने ही मलूक लगते हैं ना, बातें कछु ज्यादा मलूक बन के सुपर का पंचवटी भाई। अगर शुद्ध बात कह दूं तो, लेकिन एक बार में कह दिया मैंने एक नारी व्रत का पालन किया है, ये मेरी पत्नी सीता है, मेरी आपकी शादी नहीं हो सकती, लक्ष्मण जी से पूछ लो अगर कोई बात बनती है तो। और आज दशरथ के पुत्र राम की, दशरथ के पुत्र राम की मर्यादा जगने जानी, दशरथ के पुत्र राम जी मरे यादा जगने जानी। और राम तो आज भी है लेकिन वो करते क्या है, आज राम सिल्पी हनी, आज राम सिल्पी हनी प्रीत क्यूट ले। आज के राम एक हनी प्रीत के चक्कर में जेल में और एक सिल्पी के चक्कर में जेल में। हाँ जी, अगर गीत पसंद आ रहा है तो थोड़ी सी बैटरी मेरी भी चार्ज करते रहे, तुम्हारी समझ में ना आवे 80 रुपया को हपी हो तुमने। हाँ जी, अब तीसरा चौक मेरे गीत के अंदर, अच्छे नाम बुरे परिणाम, पवित्र रिश्ते बुरा अंजाम मेरे गीत के अंदर चल रहा है, जो समझदार लोग हैं समझते चलेंगे। तीसरा चौक देखेंगे मेरा, काय पे गुमान करे हर को न ध्यान धारे। हाँ जी, पीछे वाले हो, देखिए कार्यक्रम तो ये दूसरा है लेकिन तुम दूसरा बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी अब मैं दूंगा आप लोगों को, रुक जाओ। काय पे गुमान करे हर को न ध्यान धारे, कुटुंब कबीलो सब यही छोड़ जाएगो, कुटुंब कबीलो सब यही छोड़ जाएगो, कुटुंब कबीलो सब यही छोड़ जाएगो। कोड़ी कोड़ी माया जोरी पाप की कमाई थे, अरे कोड़ी कोड़ी माया जोरी पाप की कमाई थे, और कोड़ी कोड़ी करे तब लोग जुड़ जाएगो, कोड़ी कोड़ी करे सब लोग जुड़ जाएगो, कोड़ी कोड़ी करे सब लोग जुड़ जाएगो।
तेने अकल कमाई तेने पाप की डगरिया की और मुड़ जाएगो पाप की डगरिया की और मुड़ जाएगो पाप की डगरिया की और मुड़ जाएगो और हे मानव पाप की डगरिया की और मुड़ जाएगो और प्यार चाहूंगा अगर अच्छी बात कर जाए तो पहले तो हाथ अपने खोल दो रेगा हाथ अपने खोल के बैठो और ताली बजेगी ना बात अच्छी लगे तो पाप की डगरिया की ओर मुड़ जाएगो खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगो अरे खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगो जा मां करी की भांत तेरो हंस हो जाएगो मां करी की भांत तेरो हंस हो जाएगो मां करी की आप तेरो हंस हो जाएगो क्या बात है आइए मेरे गीत पे उस दौर में जीत भैया उस दौर में बाप और बेटे के रिश्ते कैसे हुआ करते थे और आज कैसे हुआ करते अच्छे नाम बुरे परिणाम मेरे गीत को देखेंगे पिता से आज्ञा लेकर राम सियापन को धाए पिता से आज्ञा लेकर राम सियापन को धाए पिता से आज्ञा लेकर राम सियापन को धाए पिता संग रोहित बेटा बिकने काशी में आए पिता संग रोहित बेटा को काशी आए हाजी पिता संग रोहित बेटा बिकने काशी में आए और पिता से आज्ञा लेकर राम सिया बन को आए मतलब पूरा राजपाट भरत के लिए और रामचंद्र जी के लिए वनवास अगर आज कहूं पे 11 बीघा खेत और 2 लल्लू हो तो 6 और 5 करके दिखाइयो जॉनसन के हिस्सा में 5 बीघा आ रहा होगा वो लठिया लगा लावे वो डोकरा का जी पिता से आज्ञा लेकर राम सिया बन को थाए पिता संग रोहित बेटा बिकने काशी में आए माता और पिता को सरवन माता और पिता को वो सरवन कंधे पे लिए डोले माता और पिता को सरवन कंधे पे डोले जीतू भैया माता और पिता को वो सरवन कंधे पे लिए डोले और सरवन तो आज भी मिल जाएगा हर गांव में मिल जाएगा एक और हर गली में मिल जाएगा एक लेकिन उस सरवन में और आज के सरवन में अंतर कितना है मेरी लाइन अगर आपको पसंद आए तो मैं चाहूंगा एक बार तालियां हर किसी की बजनी चाहिए माता और पिता को वो सरवन कंधे पे लिए डोले आज श्रवण माता पिता को आज श्रवण माता पिता को क्या करते हैं आज श्रवण माता पिता को घर में कूट लेते एक बार ताली बजाएंगे और अगर बात पसंद आई हो तो तालियां आज श्रवण माता पिता को घर में कूट लेते मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं अपना बना कर काम लोग फूट लेते हैं स्वार्थ का देखो कैसा समझ रहा हूं मेरे इस गीत के साथ ही कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा
और मेरे पास तीन लाइन और बाकी है, अगर आपका आदेश और अगर गीत आपको पसंद आ रहा है तो सुनाऊं। मेरे गीत के अंदर रिश्ते घट रहे हैं, अच्छे नाम बुरे परिणाम। एक और रिश्ता मेरी नजर में होता है जो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, पति पत्नी का। पति पत्नी का रिश्ता होता है, उसके लिए किस तरह से घटाया है। सावित्री अड़ गई है, सावित्री अड़ गई है, सावित्री अड़ गई है, सावित्री अड़ गई है, पामन में पड़ गई है, सावित्री अड़ गई है। पति की जान की खातिर धर्म देव लड़ गई है, पति की जान की खातिर धर्म देव लड़ गई है, पति की जान की खातिर धर्म से लड़ गई है। प्रहलाद वो पतिव्रता धर्म को निभाती थी, प्रहलाद वो पतिव्रता धर्म को निभाती। अलगा भैया अलगा लू आपके दो मिनट और लू। तब सावित्री अनुसुईया जैसी सतियों के नाम होते थे भैया जी की तरफ से आशीर्वाद है। सावित्री के घाटे आजू ना है मेरे देश में। दीपावली के 15 दिना पहले एक त्योहार आम तो हम हिंदू ने बाजार में पाम धरवेगू जगह ना मिलेगी। कार्यक्रम विराम की ओर जा रहा है इसलिए आपका थोड़ा समय ले रहा हूं। एक महीना पहले से अल्लाह कटे वो शुरू होगा घर में। सुनना है सुनना है। 20 दिन रह गए करवा चौथ के, तो कम यही जान लेगी, जान का लेगी पैसा चाहिए। आप आने के 5,000 रुपया निकाल लियो घर धरे लाया भी जो वहां में 5,000 रुपया निकाल लियो। कह रही है 5,000 में छूना है रोए, कितने लेगी? कम से कम 10,000। और जब 10,000 की हाँ है गई तो एक एहसान ऊपर ते आएगा, यानी कि करे करे का एक बोल ले हो जा मैं आधो सामान तो मैं तुम्हारी मम्मी गुलाम हूं। अगर वास्तविकता हो तभी ये बावल होना चाहिए, आधो सामान जा मैं तुम्हारी मम्मी गुलाम हूं। चलो दही झगड़ो खत्म करो, करवा चौथ को दिन आयो मैडम व्रत में। और भाई साहब खेत पे घूम घाम के थके आ रहे, शाम को 3 बजे घर पहुंचे। बन की ला भाई आज तो मैं बहुत थक गो, तुम को एक लोटा पानी ला। मैडम भीतर तक फुक गई, सवेरे ते मैंने पानी ना पियो और जन कहां थे घूम घाम के आयो, ऑर्डर मो पे ही चलेगा। अबे आप मर जा बरामदे में लग रहो, अलमारी में लोटा धरे हो। मैंने सवेरे ते पानी ना पियो तो मैं ही नहीं कहूं ना रही। और तो जे ना पता जे पर तो मैंने तेरी लंबी उम्र का आज राख्यो है, पता तो कैलेंडर में का लिख रही है। अगर चंदा न करवे ते पहले मैंने पानी पी लो ना, तो तू पानी पीवेगू जिंदो ना बचेगो। फरक कितना है, सावित्री अड़ गई है, पामन में पड़ गई है, पति की जान की खातिर धर्म देव लड़ गई है। पर अंतर कितना है, प्रहलाद वो पतिव्रता धर्म को निभाती थी, आज की पतिव्रताओं के बदल रूट लेते। अगर पति थोड़ा सा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो जाए, तब 8 दिना घर में रह रही ना है, जो करवा चौथ में वर्ती रहते गए। प्रहलाद वो पतिव्रता धर्म को निभाती थी, आज की पतिव्रताओं के बदल रूट लेते हैं, मतलब को जानते हैं।
ये माना ये है अपना बनाकर काम लोग फूट जमु ऐसा ही होए कार्यक्रम चल रहा पर पुआ खाए के रमाने है गए। अरे खाले आइए जीतू भैया जी, तो भी